राहुल का मुंबई दौरा सकुशल गुजर गया। शिवसेना को उसी के गढ़ में राहुल छकाने में कामयाब रहे। जाहिर है कांग्रेस इससे बेहद खुश है, लेकिन बीजेपी इसे राहुल की नौटंकी करार दे रही है। राहुल मुंबई आए और आम लोगों से मिलकर चले गए। शिवसेना की धमकी थरी की धरी रह गई। अब कांग्रेस सीना ठोंक रही है। इससे जो है उन सारे लोगों के मन में एक जो झूठा भय बना रखा था शिवसेना ने, वो दूर हो गया कि शिवसेना जो चाहती है, जो जो करना चाहती मुंबई में कर सकती है, वो एक मिथ जो है टूट गया। लेकिन बीजेपी को राहुल का ये अंदाज रास नहीं आया। राहुल के पांडिचेरी यूनिवर्सिटी पहुंचने से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां विरोध प्रदर्शन किया। इधर दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता राहुल के दौरे को नौटंकी बताने में लगे थे। नाटक है, जनता ऐसा नहीं। अगर मैंने कल भी कहा था कि राहुल जी देश के जो जनता को चुभ रहे हैं उस महंगाई पर बोलो। बीजेपी की आलोचना तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इन सब के बीच एनसीपी की प्रतिक्रिया बड़ी फीकी रही। जो इशू हमारे सामने नहीं है उसको जो है इशू बनाकर जो उछालने की कोशिश कर रही है, उससे हमको रोकना चाहिए। और कोई भी गैर कानूनी बातें करता है, गैर कानूनी काम करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। राहुल अपना काम करके निकल गए। अब नेता सियासी नफा नुकसान का गुणा भाग करने में लग गए हैं। पुणे से पंकज खेलकर और चेन्नई से प्रेमवदा के साथ अमिताभ सिन्हा और आशीष जोशी, दिल्ली आज तक।